सतलुज दरिया के हड़ के पानी दे विच वह के पाकिस्तान पहुंचे भारतीय नागरिक नूं खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी है जिहड़ी साझी की। रेस्क्यू 11-22 के बुलारे ने दसिया कि एक 50 साल का भारतीय नागरिक सुनन तो जो असमर्थ है और इशारों राही गलबात करता है। उसने कहा वो हिंदू है और हड़ का पानी उसनों वहा के इतों लै आया से, जिस तो बाद जो उसनों खुफिया एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। उस तो पुछ पड़ताल करने की कोशिश है जी की जा रही है। और अपडेट लैके रूबरू होवेंगे, फेंकते रहो लुधियाना वाले। सतलुज दरिया के हड़ के पानी दे विच वह के पाकिस्तान पहुंचे भारतीय नागरिक नूं खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी है जी साझी की। रेस्क्यू 11-22 के बुलारे ने दसिया कि एक 50 साल का भारतीय नागरिक सुनन तो जो असमर्थ है और इशारों राही गलबात करता है। उसने कहा वो हिंदू है और हड़ का पानी उसनों वहा के इतों लै आया से, जिस तो बाद जो उसनों खुफिया एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। उस तो पुछ पड़ताल करने की कोशिश है जी की जा रही है। और अपडेट लैके रूबरू होवेंगे, फेंकते रहो लुधियाना वाले। सतलुज दरिया के हड़ के पानी दे विच वह के पाकिस्तान पहुंचे भारतीय नागरिक नूं खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी है जी साझी की। रेस्क्यू 11-22 के बुलारे ने दसिया कि एक 50 साल का भारतीय नागरिक सुनन तो जो असमर्थ है और इशारों राही गलबात करता है। उसने कहा वो हिंदू है और हड़ का पानी उसनों वहा के इतों लै आया से, जिस तो बाद जो उसनों खुफिया एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। उस तो पुछ पड़ताल करने की कोशिश है जी की जा रही है। और अपडेट लैके रूबरू होवेंगे, फेंकते रहो लुधियाना वाले।